फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसीए एजुकेशन हब बानसूर। सो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5। इट इज पार्ट 3 इन विच वी डिस्कस अबाउट दीज 4 मेन टॉपिक्स: फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन एंड लॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फूड चेन। बिफोर दैट, इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कस्ड अबाउट द types of consumers as well as types of biotic components on the basis of nutrition. So what is food chain? It is a series of organisms in which one organism eat another organism as food. Is it clear? For example, देखिए यहाँ पे एक simple सा terrestrial food chain का example है, terrestrial food chain, और इसमें भी terrestrial food chain में भी आप कह सकते हैं ये एक forest food chain है, फॉरेस्ट फूड चेन। तो फॉरेस्ट फूड चेन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको कौन खाता है? डियर, और डियर को कौन खाता है? फिर ब्रॉयलर। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आप अगर ग्रासलैंड की बात करें तो वहां पे भी कुछ इसी तरह का आपको मिलेगा, ग्रासेस मिलेंगी। ग्रासेस को कौन खाएगा? डियर या आप रैबिट कह सकते हैं। रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स। इज दैट क्लियर? इसके अलावा एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक्वेटिक फूड चेन यानी वो फूड चेन जो पानी में मिलती है। इज दैट क्लियर? ये टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे मिलती है, एक्वेटिक फूड चेन यानी पानी में जो फूड चेन होती है, तो उसका हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले देखे होते हैं फाइटोप्लांक्टन्स, यानी जो ग्रीन एल्गी वगैरह होती है उनको फाइटोप्लांक्टन्स बोलते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लांक्टन्स को कौन खाता है? जू प्लांक्टन, यानी जो छोटे इंसेक्ट लाइक होते हैं, जू प्लांक्टन। और जू प्लांक्टन को फिर कौन खाता है? फिशेस। ठीक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे फूड चेन भी बना सकते हैं, स्मॉल फिशेस हैं उनको बिग फिशेस खाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑन नोट? और इनको जो भी ह्यूमन बींग्स वगैरह है वो फिर इंटरकनेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे इम्पोर्टेंट फूड चेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यही मिलेगी आपको, फाइटोप्लांक्टन को जू प्लांक्टन और उनको फिशेस। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि भाई फाइटोप्लांक्टन्स हैं या जू प्लांक्टन्स हैं इनको फिशेस, और फिशेस को फिर जो सी बर्ड्स होते हैं वो भी खाते हैं। ओके, तो ये कुछ सिंपल एग्जाम्पल है फूड चेन के। तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज है, वन आफ्टर द अनदर। सीरीज का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 इन दिस वे। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं इट इज ए लीनियर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक सीधी लाइन में ही होता है, लीनियर सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म की, इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। इज दैट क्लियर? तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा व्हाट इज फूड चेन। अब देखिए यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल, तो ईच स्टेप ऑफ फूड चेन, Each step of food chain where transfer of energy takes place, where transfer of energy takes place, each step of food chain. अब देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई जो एनर्जी यहाँ पे प्लांट्स में थी वो किसमें ट्रांसफर हो गई? डियर में। जो एनर्जी डियर में थी वो किसमें ट्रांसफर हो गई? लॉयन में। तो यानी हर एक स्टेप ऑफ फूड चेन जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है उनको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फूड चेन की तो कितने ट्रॉफिक लेवल है इसमें? 3, 1, 2, 3। क्लियर है? यहाँ पे कितने ट्रॉफिक लेवल है? तो 1, 2 एंड दिस 1, 3। अंडरस्टैंड? यहाँ पे 2 ट्रॉफिक लेवल है, 1 एंड 2। अंडरस्टैंड? तो यानी ईच स्टेप ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस दोज आर नोन एज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। अंडरस्टैंड? जनरली देखिए जो फूड चेन है वो 2 या 3 स्टेप्स की बनी होती है, मैक्सिमम 4 स्टेप्स की बनी होती है। ओके ओके, अब आगे देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। तो फ्लो ऑफ एनर्जी आपको क्लियरली पता लग रहा है किसी भी फूड चेन में कि पहला जो ट्रॉफिक लेवल है सबसे पहले एनर्जी उसमें होती है, वहां से पास ऑन होती है सेकंड ट्रॉफिक लेवल में, सेकंड से पास ऑन होती है थर्ड ट्रॉफिक लेवल में। यानी कभी भी जो एनर्जी है वो रिवर्ट नहीं होती, रिवर्स बैक नहीं होती, नो। ठीक है, एनर्जी वापस नहीं आएगी कभी भी, एनर्जी हमेशा जो प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल है उससे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। यानी ये प्रीवियस लेवल है,
से नेक्स्ट में ट्रांसफर हो सकती है, बट नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल है उससे एनर्जी प्रीवियस लेवल में ट्रांसफर नहीं हो सकती. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, जब फूड चेन में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट, एक पिरामिड बना के दिखाती हूँ. इससे आपको समझ में आ जाएगा. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, अंडरस्टैंड, यानी जो सनलाइट है उसको कौन यूज करेंगे, प्रोड्यूसर्स. सनलाइट का टोटल 1% जो अमाउंट होता है, कितना, 1%, वो कौन एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोड्यूसर्स. तो सबसे पहले एनर्जी किसमें ट्रांसफर होती है, प्रोड्यूसर्स में. प्रोड्यूसर्स से अब एनर्जी किसमें जाएगी, कंज्यूमर्स में, राइट और नॉट? ठीक है, तो कंज्यूमर्स में आप हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं. हर्बीवोर से एनर्जी किसमें जाएगी, कार्निवोर में. और कार्निवोर से एनर्जी किसमें जाएगी, टॉप कार्निवोर में. यानी एक तरह से समझिए इसको, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एनर्जी किसमें जाएगी, प्रोड्यूसर से. फिर आप इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं. क्लियर है? वे सबसे पहले जो एनर्जी सनलाइट का टोटल जो एनर्जी है उसका 1% कौन एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोड्यूसर्स. ओके, अब जो प्रोड्यूसर्स ने एब्जॉर्ब की एनर्जी उसका 10% ओनली, ये भी हम समझेंगे कैसे, इसका 10% जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स में, उसका 10%, यानी इसमें जो टोटल एनर्जी उसका 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, और जो टोटल एनर्जी कार्निवोर्स के पास है उसका 10% जाएगा टर्सरी कंज्यूमर्स में. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कितनी परसेंट, यानी सनलाइट है उसका 1% कौन एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोड्यूसर्स. यहाँ पे आप 10% नहीं कहेंगे, 1%. इसका जो टोटल एनर्जी उसका 10% जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स में, यानी हर्बीवोर्स में. हर्बीवोर्स को आप प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं. उसका 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स में या कार्निवोर में, और उसका 10% जाएगा टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर्स में. क्लियर है? तो ये एक एनर्जी फ्लो का चार्ट है, या आप इसको पिरामिड कहते हैं, बिकॉज एक ट्रायंगुलर शेप हो गई ना इसकी, अंडरस्टैंड? तो एक ट्रायंगुलर शेप में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है किसी भी चीज का, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में उसको हम पिरामिड बोलते हैं. तो दिस इज द पिरामिड शोइंग द एनर्जी फ्लो. ओके, ये डायग्राम भी पूछ लेते हैं, शोइंग एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन. क्लियर है कि किसी भी फूड चेन में किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है, वो यहाँ पे एक चार्ट आपको एक पिरामिड बना के दिखाया गया है. अब है लॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो किस बेसिस पे होती है, तो देखिए इसके दो लॉज होते हैं. वन इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एंड सेकेंड वन इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी. 10% लॉ ऑफ एनर्जी, क्लियर है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी एंड 10% लॉ ऑफ एनर्जी. आई होप आपको क्लियर होगा. देखिए यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक डायरेक्शन में, ठीक है? वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूमर्स में जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स में, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी प्रोड्यूसर्स में वापस नहीं आ सकती. यानी फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो ग्रास है या आप ट्रीज हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से एनर्जी डियर में जाएगी और डियर से जाएगी लॉयन में, ठीक है? एनर्जी का ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होगा, और वो कहाँ होगा, प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से कहाँ, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में. क्लियर है? लेकिन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल से प्रीवियस लेवल में एनर्जी रिवर्ट बैक नहीं हो सकती. सो ये एक लाइक कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा दैट इज ऑलवेज इन द वन डायरेक्शन. दूसरा है 10% लॉ ऑफ एनर्जी. ओके, देखिए 10% लॉ ऑफ एनर्जी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि टोटल जो ग्रास है उसके पास 10,000 जूल एनर्जी है, ठीक है, या किलोजूल आप कह सकते हैं. अब इसका जो 10% है सिर्फ वही एनर्जी डियर में जाएगी, तो 10,000 का आप 10% निकालिए, आता होगा इतना तो मैथमेटिक्स में आप करते हैं, तो कितना हो गया 1,000 जूल. यानी अब डियर में कितनी एनर्जी,
जी पास होगी 1000 जूल। अब लॉयड में इसकी 10% जाएगी, तो 1000 का 10% निकालिए, अब आप कितना हो गया 100 जूल। क्लियर है, आगे समझ में? यानी जो एनर्जी का फ्लो है वो 10% लॉ के अकॉर्डिंग होगा। हमें पता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, 1% ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सनलाइट। उसके बाद 10% ट्रांसफर होगा, यानी अगर प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 किलो जूल एनर्जी है या जूल एनर्जी है, जो भी है यूनिट एनर्जी की, जूल किलो जूल आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हर्बिवर्स में कितनी जाएगी 1000 किलो जूल। ठीक है, तो इसकी 10% कार्निवोर में कितनी जाएगी 100 किलो जूल ओनली, और जो नेक्स्ट है टॉप कार्निवोर उसमें कितनी जाएगी 1 किलो जूल ओनली, सॉरी 10। क्लियर है, यस और नो? भाई 100 का आप 10% निकाल रहे हो, 100 10 से 100। तो देखिए यही रीजन है कि कोई भी फूड चेन 3 या 4 स्टेप से ज्यादा स्टेप की नहीं बनी होती है, क्योंकि जो एनर्जी का ट्रांसफर है दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली नील, बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाता है वो एनर्जी का ट्रांसफर। अंडरस्टैंड? तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, एक तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी की जो एनर्जी है दैट कैन फ्लो ऑलवेज फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इट नेवर रिवर्ट्स बैक फ्रॉम द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। एंड सेकेंड वन इज द अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, ओनली 10% एनर्जी कैन बी पास टू द नेक्स्ट और सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। इज दैट क्लियर बेटा? सो ये दोनों लास्ट थे जिसमें 1% जो एनर्जी है वो टोटल सनलाइट की वो प्रोड्यूसर से अब्सॉर्ब करते हैं, उसके बाद 10% लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी का फ्लो होता है। इज दैट क्लियर? तो ये चार टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। फूड चेन की एक लीनियर सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है। ट्रॉफिक लेवल फूड चेन का ईच स्टेप, ओके, विच वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन आपको समझ में आ गया, ठीक है? एक हमने यहाँ पे पिरामिड का डायग्राम बनाया है, एंड लॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इज इट क्लियर बेटा? सो दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, बाय, हैव ए गुड डे।